गुरु भाई बाल की खाल निकालने के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो का प्रेम प्रसंग अपने इंडियन माइथोवर्स की सबसे पहली इंस्टॉलमेंट हनुमान मूवी के टीजर के आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर चर्चा करना होगा कि लोगों का अब इस पे असर क्या हो रहा है। जो कि सबसे पहला रिएक्शन जो कि अपना ऑब्वियस वाला ही है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बातें हो रही है, वो इसका बजट, अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल और आदि पुरुष से इसकी तुलना, ये सबसे बड़ी कंपेरिजन है। क्योंकि आदि पुरुष के बजट के 10% से भी कम बजट में बनी है और फिर भी इसके विजुअल्स क्वालिटी उसको टक्कर देने में काफी सक्षम है। जो कि वही लोग सोच रहे हैं कि भाई 15-25 करोड़ जो भी बजट में ये बनी हुई है, वो जब इन्होंने इतने में इतना क्वालिटी हमें दे दी तो तब क्या होता कि जब इनके पास पैसे खर्चने के लिए इनके हाथ खुले होते। जो कि भाई सच में इंडियन प्रोड्यूसर्स को आईना दिखाने लायक है कि एक्टर्स की जगह टैलेंट को हायर करो और एक दूसरे को गिफ्ट देने की जगह पिक्चर में पैसा फूको। खैर ये बात तो हो गई, लेकिन ठीक वहीं पे मेरी तरह भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देश दुनिया के परपंच से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, उन्हें सिनेमैटिक यूनिवर्स, इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइंस और मजे में रुचि है। एंड यही चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे क्या। खैर इसके बाद क्या आगे के मूवी, ऑब्वियसली अधीरा मूवी का फर्स्ट लुक तो अपन को ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, लेकिन जो रिसेंटली हमें इस यूनिवर्स का ऑफिशियल नाम भी देखने को और सुनने को मिल चुका है कि सॉर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बताया भी है एक इंटरव्यू में कि मूवी अंजनद्री फिक्शनल नामक विलेज में बेस्ड होगी, जहां से सारी ये कहानी शुरू होगी। जो कि समझते हुए उन्होंने कई सारे रिक्यूज भी दिए और अभी के तौर पे इस दुनिया को अंजनद्री वर्ल्ड नाम से भी बुलाया जा रहा है। जो कि पर्सनली बोलूं तो मैं इस टिपिकल जेनेरिक माइथोवर्स नाम से बेहतरी मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई कुछ यूनिक तो स्टैंड आउट करके साउंड करता है। यार उसी के साथ साथ इस यूनिवर्स का उनका कमिटमेंट भी नजर आ रहा है, जो कि अगर आप इनके प्रेस शोज और इंटरव्यूज को फॉलो करोगे तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली एक बार जरूर नोटिस होगी कि ये प्योर ब्रेड सुपर हीरो यूनिवर्स बनाना ही चाहते हैं एंड कॉन्स्टेंटली अपनी इंडस्ट्री में इसका वेट समझाने के लिए मार्वल एंड डीसी से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। हम ये बात समझते हैं कि भाई मार्वल और डीसी और भाई इंडिया के किसी भी सुपर हीरो यूनिवर्स का कंपैरिजन काफी ज्यादा डिफरेंसेस निकल के आते हैं, लेकिन बात तो भाई किसी को करनी ही पड़ेगी ना। एंड पर्सनली मैं इनके कहने के भार समझ पा रहा हूं कि इनका विजन इसको क्या लेकर है, इनका डिस्टेंट फ्यूचर में हम इसे कहां देखते हैं। इसके अलावा उस कंपैरिजन के चक्कर में लोगों को इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी इस पे बहुत ही, साउथ की पिक्चर के लिए अपने दिल में एक रिस्पेक्ट तो होती है, लेकिन बिना अभी स्पेसिफिक्स में जाए मूवी से उम्मीदें भी अपनी बैलेंस बनी हुई है, क्योंकि जिस बजट में ये बनी है उतना आपने जो हमें सौंप दिया है वो भी स्ट्राइकिंग विजुअल्स के साथ उम्मीद से काफी ज्यादा ऊपर था। एंड इसके ऊपर जो भी हमें देखने को मिल रहा है भाई वो सोने पे सुहागा ही है। मगर अब ऐसी बात नहीं है कि भाई सबको ही ये सब कुछ पसंद आ गया। अपन ऐसे भी समाज में रहते हैं जो अपने स्टैंडर्ड्स नीचे नहीं करना चाहते, उनको 100 रुपए में भी 500 का मजा चाहिए एंड उनके नतीजन में मूवी की कमियों को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड मैं पर्सनली बोलूंगा मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप भी गलत नहीं है, लेकिन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कहां पे अपने स्टैंडर्ड्स कम करने हैं और कहां पे नहीं। मूवी की विजुअल कंसिस्टेंसी को मैं बात समझता हूं कि उन्हें इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है एंड सदन सिनेमा के क्लीशेज अभी भी इसमें इन्वॉल्व है, मगर भाई अपन को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यही तो अपनी एक यूनिक सी क्वालिटी। मगर उसी के वितर्क में तर्क में ये भी देना चाहूंगा कि अभी के समय में अगर कोई भी इंडस्ट्री जो हमारे देवे के ऊपर ये मूवी बना सकती है बिना विवादों में घिरे तो वो सदन सिनेमा ही है। खैर अभी उस निराशाजनक विषय के ऊपर अभी किसी और वीडियो में कायदे से डिटेल में बात करेंगे, मगर अभी के लिए इंजॉय करते। कमियां जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए हमारा प्यार कम हो गया है, क्योंकि हम इसे हल्के में ले रहे हैं। वी आर गोइंग टू विटनेस अ हिस्ट्री। कुछ सालों पहले जो नामुमकिन था, विवादों में था, आज हम उसे पर्दे पे जा रहे हैं देखने। एंड किसी भी आलोचना से पहले ये बात तो कहनी पड़ेगी कि एटलीस्ट इन्होंने अपनी फुल पोटेंशियल से कोशिश की एंड इस मूवी के लिए अपन साल सवा साल से एक्साइटेड है। अगर आप मेरे पुराने ग्राहक हो तो ये तबाह जानते ही होंगे, यहां तक कि मैंने तो एक वीडियो भी बनाई थी कि इंडिया में कोई एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों नहीं है एंड जिसकी उम्मीदें थी वो तो भाई गायब भी हो गए। खैर एक पॉइंट पे डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये जरूर है कि भाई इस प्रतिष्ठित विषय के ऊपर ऐसी पिक्चर बनाना, वो भी इतने कम बजट में, काफी ज्यादा निराश फील करा देता है, क्योंकि इसे मिलना चाहिए था अच्छे खासे पैसे। खैर इन्होंने जितने अपने संसाधनों में इन्होंने काम करके दिखाया है, काबिले तारीफ है कि भाई इन्होंने क्या नहीं करके दिखा दिया। खैर तुम्हें क्या लगता है लोगों का इस मूवी को इज्जत देने का और क्या रीजन हो सकता है एंड क्या चर्चाएं इस मूवी को लेकर और भी हो रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ की बातें मैं सुनना चाहूंगा। कमेंट्स अपनी ओपिनियन जरूर बताना कि भाई तुमने नोटिस की हो, मैंने ना की हो, मे बी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन भी मिल जाए। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ अपन ने हनुमान मूवी के टीजर के ऊपर पहला रिएक्शन भी दिया हुआ है और उसके ऊपर रिव्यू भी दिया है, जहां की आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।